जय हिंद भाई लोग। आप अपने देश में ऑटो डेंटर और पेंटर का काम करते हैं। ऑटो डेंटर पेंटर के काम आप सीख रहे हैं और आप सोचते हैं कि बाहर देश जाएंगे गल्फ में तो कितना तनख्वाह मिलेगा और कहाँ काम मिलेगा, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। काम यहाँ बहुत सारे कंपनी हैं जो ऑटो डेंटर पेंटर को अपने पास, जैसे बड़ी कोई कंपनी है उसके पास बहुत गाड़ी है तो दो चार पेंटर को और दो चार डेंटर को भी अपने पास रखती है। नहीं तो यहाँ बहुत सारे सिटी में गैरेज है या हाईवे पे रोड में गैरेज है, वहाँ पे भी ऑटो डेंटर पेंटर का जॉब लगता है, काम लगता है, वहाँ पे भी आप लोगों का काम चलता है। इधर मैं पिछले दिनों गया था तो कुछ भाई लोग हैं, उन लोगों से बात किया जो काम करते हैं गैरेज में डेंटर पेंटर का, तो उन लोगों का तनख्वाह जो पुराने हो गए हैं उनका तो सऊदी रियाल 3,000 4,000 5,000 रियाल भी कोई कोई का है। अच्छा, जो डेंटर पेंटर है पुराना, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत दिन से एक ही गैरेज पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का तनख्वाह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। लेकिन नए भाई लोगों को जो वैकेंसी जा रहा है उसमें 1,500 से 2,000 सऊदी रियाल तक नए डेंटर पेंटर को मिलेगा। हाँ, आपको डेंटर का भी काम आना चाहिए और पेंटर का भी, और गैरेज का और गाड़ी का काम जानते हैं आप तो और अच्छा है। और इधर आने के बाद आप गैरेज में काम करेंगे, गैरेज मालिक को अच्छा लगेगा, आपका काम अच्छा होगा और आप बढ़िया से काम करेंगे तो आपको तनख्वाह बढ़ते देर नहीं लगेगा। तो यही इधर में रेट चल रहा है 1,500 से 2,000 सऊदी रियाल, मतलब 35,000 प्लस ही मिलेगा 8 घंटे का। उसके बाद ओवर टाइम है, काम के हिसाब से ओवर टाइम चलेगा तो उसका ओवर टाइम मिलेगा, यही चल रहा है इधर में। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।